हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पोहे की एक नाश्ता बनाऊंगी। पोहे हम लोग बहुत तरीके से खाते हैं, लेकिन आज मैं जो पोहा बनाऊंगी बंगाली स्टाइल में बनाऊंगी। और इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल पुलाव जैसा टेस्ट आएगा। और इन्हें कुछ टिप्स भी शेयर किया है जिससे कि पोहा बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लोग पोहे को रेडी कर लेंगे। तो इधर मैंने थिक वाले पोहा लिया है। पोहा दो तरीके का मिलता है, एक थिक पोहा और एक थिन पोहा। जो थिक पोहा आता है वही आप इस्तेमाल करें तो पोहा जो है वो परफेक्ट बनेगा। मैंने इधर 1.5 कप पोहा ले लिया है। तो पोहे को पहले अच्छे से 2-3 बार हमें वॉश करना है। इसमें से जो गंदे पानी निकलेगा उसको हमें वॉश करके फेंक देना है। तो इसके लिए इसको अच्छे से पानी से इस तरीके से आप धो लें। तो ये पानी को फेंक देंगे और इसी तरीके से और 2-3 बार इसको वॉश करेंगे। और पोहे को वॉश करने के बाद बिल्कुल भी पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर भिगो के रखेंगे तो पोहा जो है बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा, एकदम खिचड़ी जैसा बन जाएगा। तो देखिए, इधर मैंने 3-4 बार वॉश करने के बाद इसको तुरंत एक छन्नी में डाल दिया है। तो इसी तरीके से डाल के इसको 5-10 मिनट आपको रखना है, तो पोहा जो है बिल्कुल खिले खिले बनेगा। तो इधर मैंने कुछ सब्जियां लिया है। गाजर ले लिया है 1/4 कप, फूलगोभी 1/4 कप, आलू भी 1/4 कप, 2 हरी मिर्ची लिया है। आप बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं, मैंने चीरा लगा के लिया है। 1/4 कप स्लाइस किया हुआ प्याज और थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा किशमिश। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, पोहा देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना है। और सारे जो सब्जी हैं इस मैंने क्यूब्स में काट लिया है छोटे छोटे। तो इधर मैंने 3 चम्मच के करीब ऑयल लिया है और उसमें एक छोटी इलायची और एक दालचीनी डाल दिया है और 1/4 टीस्पून डाला है जीरा। तो जीरा का कलर थोड़ा सा चेंज होने देते हैं। उसके बाद इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी होने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको मैंने पहले डाला है। अभी इसको गोभी को पहले 50% कुक होने के लिए छोड़ देंगे। गोभी देखिए आधा जब पक जाए तभी उसमें आलू डालेंगे और गाजर भी डाल देंगे। तो इसे डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि सब्जियों के अंदर भी नमक चला जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे। अभी इसको ढक के पकाएंगे जब तक ना सब्जी जो है अच्छे से बॉयल हो जाए। देखिए सब्जी अच्छे से पक चुका है। तो इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। अभी इसमें डाल देंगे जो काजू और किशमिश रखा था मैंने वो, और ये जो प्याज रखा था इसे भी डाल देंगे। प्याज को एकदम बाद में डालेंगे। तो प्याज जो है वो पहले ही अगर डाल देते तो इतने देर तक वो जल जाता। हरी मिर्ची भी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है। अभी प्याज को हल्का सा 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, उसके बाद इसमें पोहा डाल देंगे। इधर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और पोहे के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे। और इधर मैंने थोड़ा सा शुगर भी डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इधर मैंने 1 टीस्पून घी ऐड किया है। अभी बस सारे चीज़ों को मिक्स होने तक इसको चलाएंगे और ये पोहा रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अगर फ्राई करेंगे तो पोहा रबरी जैसा हो जाएगा। तो बस सारे चीज़ें मिक्स होने तक इसको चला लेंगे। उसके बाद ये सर्व करने के लिए देखिए बिल्कुल खिला खिला पोहा रेडी है। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।